राम राज राम राज, बाप का राज बाप का राज। भैया यूपी में यही हो रहा है। कहाँ तो यूपी के लड़के प्रयागराज में जाकर आरओ एआरओ की भर्ती के लिए गुलाबी ठंड में लाठी खा रहे हैं, जल्दी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, और यहाँ विधानसभा में बैकडोर से नौकरियों का घोटाला हो जा रहा है। नेता अधिकारी के बेटे आरओ एआरओ बनाए जा रहे हैं। अगर हम पूछें कि ये बताइए आरओ की नौकरी कैसे मिलती है, तो आप कहेंगे परीक्षा देकर, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ना बाबा ना, नौकरी तो बाबा की तरफ से मिलती है, नौकरी सिफारिश से भी मिलती है, और ये सिफारिश बहुत ऊंची लगानी पड़ती है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, नाम है राम भद्राचार्य, काम क्या है ये भी जानते होंगे। लेकिन 2014 के बाद बाबाओं के दरबार में नेताओं की हाजिरी का सिलसिला चल पड़ा है, तो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंच पड़े थे। ये वीडियो वायरल है, लेकिन ये वीडियो यूपी के छात्रों के जख्मों पर नमक रगड़ता है। ये वीडियो भाजपाई सरकारों में व्यवस्था के ढह जाने का सबूत है। उन छात्रों के साथ अन्याय है जो इलाहाबाद में सड़क पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं और लाठी खा रहे हैं इस ठंड के मौसम में, और आरओ एआरओ परीक्षा कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। पीसीएस को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया और आरओ एआरओ की लड़ाई जारी है। 15 नवंबर की शाम तक छात्रों में फूट पड़ गई थी। एक गुट धरना स्थल से उठ गया, दूसरे गुट ने लड़ने का फैसला किया। लेकिन इन छात्रों को पता नहीं है कि आरओ एआरओ की नौकरी धरना प्रदर्शन से नहीं मिलती है। तो कैसे मिलती है, बाबा दिलवाते हैं, और इसके अलावा कैसे मिलती है अभी वीडियो में पता चलेगा। कैसे कैसे अधिकारियों के रिश्तेदारों को कौन कौन सी नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं। प्रयागराज में जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, हमने पहले दिन से ये कहा था कि देखना यह है कि इस आंदोलन का किसान आंदोलन की तरह मामला होता है, किस तरीके से इसमें फूट डाली जाती है, कैसे इन्हें तोड़ा जाता है, बदनाम किया जाता है। और देखिए फूट डालने की व्यवस्था चालू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको रामराज्य का पता चलेगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे जबरदस्त वाला घोटाला हुआ है, विधानसभा का घोटाला है। इस वीडियो में आज पूरा चिट्ठा खोलेंगे, क्योंकि यूपी का फ्यूचर सड़कों पर नाक रगड़ रहा है और बैकडोर से नौकरियों का घोटाला हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। ऐसे ही शासन के लिए भारतेंदु कह गए थे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यू आर कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। यहां एक बात और समझने वाली है, भारत के युवाओं के भीतर एक न जाने कौन सा कीड़ा है जो सिर्फ अपनी समस्या देखता है, अपनी समस्या थोड़ी सी हल हो जाए बस बाकी मरते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब तक अपने पास समस्या नहीं होगी, हम दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। एक बार फिर से इलाहाबाद की जमीन पर यह सिद्ध हो गया है। देश की राजनीति रोजाना चौतरफा नफरत बांट रही है, और जब वो नफरत बांटती है तो हम बात करते हैं कि देखो देखो क्या बोल रहा है। हम रोज नफरत की बात तो कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत की कहानियां भी सुनाई जानी चाहिए कि मानवता किस तरह से आगे बढ़ रही है, मानवता की भी कहानी फैलाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के वारिस खान बाइक से कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी गड्ढे में पलट गई थी जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग फंसे हुए थे और गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक हो गए थे। थोड़ी देर और होती तो परिवार के सभी लोग काल के गाल में समा सकते थे। वारिस खान ने अपनी बाइक को रोककर और सभी को गाड़ी का लॉक खोलकर शीशा तोड़कर बाहर निकाल लिया। वारिस खान पेशे से प्लंबर हैं, इसलिए गाड़ी का दरवाजा खोल लिए। घटना की सूचना मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली, उन्होंने वारिस खान से बात की और उनके साहस की सराहना की और वारिस खान को 1,00,000 का इनाम देने की घोषणा की। 26 जनवरी को वारिस खान का विशेष सम्मान किया जाएगा। ये कहानी बता रही है कि नफरत हमें कहीं भी ले जाती हो, लेकिन मानवता हम सबको जोड़ती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, यानी समीक्षा अधिकारी, और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। मोदी का माथा चूमकर आशीर्वाद देने वाले राम भद्राचार्य ने अंधेर गर्दी मचा रखी है। वायरल वीडियो में राम भद्राचार्य विधानसभा स्पीकर सतीश महाना से भरे मंच पर कहते हैं कि मेरे एक चेले शाश्वत शर्मा को तुम्हें विधानसभा में समीक्षा अधिकारी बनाना है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि ये बेहद दुखद है, भारत देश फर्जी केस में फंसाने, नियमों के नाम पर वसूली और अपने आदमी को फिट करने का स्वर्ग बन गया है। युवाओं को धर्म की रक्षा में लगा दिया गया है और इधर राम भद्राचार्य सिफारिश से शाश्वत शर्मा की भर्ती करवा रहे हैं। सपा नेता लक्ष्मण यादव ने लिखा है कि मैंने इनको कह दिया है कि एक लड़के को इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी ये सेवा है, करेंगे ही करेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से एक बाबा की सेवा का ये वीडियो लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खेलने वाले राम भद्राचार्य यूपी के नौजवानों से भेदभाव
कर रहे हैं कि नहीं। यूपी में कितनी ही माताएं बहनें राम भद्राचार्य के प्रति श्रद्धा रखती होंगी। क्या राम भद्राचार्य आपके बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहे? खुद को जगत गुरु कहने वाले राम भद्राचार्य की इस सिफारिश धर्म सम्मत है या नहीं, या फिर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर की गई इस सिफारिश को आप अनैतिक मानते हैं कि नहीं? अगर राम भद्राचार्य की सिफारिश मानकर उनके चेले की अवैध नियुक्ति हुई तो क्या उससे एक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी का हक नहीं मारा जाएगा? सवाल है और सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी विधानसभा की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, इससे भी बड़ा। सतीश महाना के जरिए राम भद्राचार्य ने योगी की सरकार को एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि यूपी विधानसभा में नौकरी कैसे मिलती है। इस बीच 2020-21 की समीक्षा अधिकारी भर्ती ने रामराज में फैली संगाड़ को बेपर्दा कर दिया है। घोटाले की आंच बड़े बड़े लोगों तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात की है। 186 पदों पर समीक्षा अधिकारी की भर्ती, यूपी में जितनी बेरोजगारी है उतने के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन इस भर्ती में ऐसा खेला हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे घोटाला करार दिया है। CBI जांच की मांग की गई है और इसी के साथ परिवारवाद और भाई भतीजावाद का भंडाफोड़ हो गया है। बात 2020 और 21 की है। दो राउंड में एग्जाम हुए थे। 186 पदों पर इस भर्ती में 42 पद यूपी विधानसभा और विधान परिषद के थे, ताकि प्रशासनिक पदों की जो कुर्सियां खाली हैं उन्हें भरा जा सके। लेकिन इन सभी पदों पर अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया। ये वही अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये एग्जाम हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 186 पदों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन नौकरियां मिली अधिकारियों के रिश्तेदारों को। अब जानिए नौकरियां किस किस को मिली हैं। इनमें यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर के PRO और उनके भाई, मंत्री का भतीजा, विधान परिषद सचिवालय के इंचार्ज का बेटा, विधानसभा सचिवालय के इंचार्ज के 4 रिश्तेदार, संसदीय मामलों के इंचार्ज का बेटा बेटी, डिप्टी लोकायुक्त का बेटा और 2 मुख्यमंत्रियों के लिए स्पेशल ड्यूटी पर तैनात रहे पूर्व अधिकारी का बेटा। ये सब अपने मिशन में सफल रहे, लेकिन अब इनकी नौकरी पर संकट आ गया है। अगर बाप का चाचा का राज नहीं होता तो इन्हें नौकरी मिलती? RO AR O बनते क्या? लेकिन अभी तो रुकिए, कम से कम 5 लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम कराने वाली 2 प्राइवेट कंपनियों के मालिकों के रिश्तेदार हैं। यानी कंपनी जो परीक्षा कराने का टेंडर लेती है उसके रिश्तेदार भी भरे हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार भी भरे हैं, उनको भी नौकरी मिली है। दर्दनाक बात यह है कि एग्जाम तब हुआ जब देश में कोरोना की पहली लहर चल रही थी, लाखों बच्चे संक्रमित होने का रिस्क लेकर एग्जाम देने पहुंचे थे। 3 साल पहले इन सभी लोगों की नौकरी लग गई। ये उत्तर प्रदेश की विधायिका संभालने वाले 2 सचिवालयों में ड्यूटी बजा रहे हैं। लेकिन मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब RO AR O एग्जाम में फेल रहे 3 उम्मीदवारों सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार ने कोर्ट में याचिका लगाई। इलाहाबाद कोर्ट ने मामले में जांच का आदेश दिया और कहा कि यह मामला बेहद चौंकाने वाला है कि एक बाहरी एजेंसी द्वारा इस तरह से लोगों को नौकरियां दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि ये तो भर्ती घोटाला है, लेकिन यूपी के अफसर कम थोड़े हैं। मठ के महंत की बेइज्जती होने का जैसे ही अंदाजा हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, CBI की जांच पर स्टे ले आए और इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। मामला कुल 42 पदों पर नियुक्ति का है। अब 6 जनवरी 2025 तक इंतजार करते रहिए। इसमें RO के 15 और ARO के 27 पद शामिल हैं। अब खेल को ऐसे समझिए कि इस भर्ती घोटाले से किस किस का नाम जुड़ रहा है। BJP नेता हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं। 2017 से 2022 तक यही विधानसभा चला रहे थे और अब कह रहे हैं कि इनकी भूमिका लिमिटेड थी, लेकिन इन्हीं के PRO उसके भाई को नौकरी मिली है और अब कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। हाँ, हृदय नारायण दीक्षित इस बात को कबूलते हैं कि भर्ती कराने के लिए प्राइवेट एजेंसी को मंजूरी उन्होंने दी थी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यूपी के संसदीय मामलों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयप्रकाश सिंह के बेटे और बेटी को भी नौकरी मिली। JP सिंह का कहना है कि उनका बेटा और उनकी बेटी का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर हुआ है। यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे के 4 रिश्तेदार, 3 को RO की नौकरी और 1 को ARO पद पर सिलेक्शन हुआ। प्रदीप दुबे का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। विधान परिषद के प्रधान सचिव डॉक्टर राजेश सिंह का बेटा समीक्षा अधिकारी बना है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा ARO बना है। विधान परिषद में तैनात है। महेंद्र सिंह 2017 से 2019 तक राज्य मंत्री थे, फिर 2019 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे। यूपी में कानून विभाग के पूर्व प्रधान सचिव और डिप्टी लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के बेटे का सिलेक्शन RO के पद पर हुआ। बाद में उनका बेटा दिव्यांग कैटेगरी से लोअर कोर्ट में जज बन जाएगा। डिप्टी लोकायुक्त ने कहा कि बेटे की नियुक्ति में उनका कोई रोल नहीं है, अब उनका बेटा ज्यूडिशियल अधिकारी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के OSD रहे। रिटायर्ड अजय कुमार सिंह का बेटा RO के पद पर चयनित हुआ, लेकिन सिंह साहब ने भर्ती घोटाले पर कुछ कहने से ही इनकार कर दिया। शिवपाल यादव के साथ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके धर्मेंद्र सिंह का भाई और बेटा ARO के पद पर चुने गए। दोनों विधानसभा में तैनात हैं। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उनके भाई और बेटे ने टेस्ट क्लियर किया था। पूर्व CM अखिलेश यादव के खासम खास
जैनेन्द्र सिंह का भतीजा आरओ के पोस्ट पर चुना गया, विधानसभा में तैनात है, लेकिन जैनेन्द्र सिंह ने कथित भर्ती घोटाले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा 2021 में परीक्षा कराने वाली दो प्राइवेट एजेंसियों के मालिकों के रिलेटिव भी आरओ एआरओ के पद पर चुने गए हैं। अब ये कौन लोग हैं उन्हें भी जान लीजिए। एजेंसी का नाम है राघव, मालिक है राम प्रवेश यादव, इनकी पत्नी समीक्षा अधिकारी बन गई हैं। राम प्रवेश यादव के पिताजी पूर्व आईएएस अधिकारी शंभू सिंह यादव के भाई हैं। शंभू सिंह हाल ही में डिप्टी लोकायुक्त के पद पर रिटायर हुए हैं। दूसरी एजेंसी है टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग, इसके डायरेक्टर हैं रामवीर सिंह। इनका भतीजा, भतीजी और जीजा का आरओ के पद पर सिलेक्शन हुआ। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के ही एक और डायरेक्टर सत्यपाल सिंह का भाई सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चुना गया, विधानसभा में उसकी तैनाती है। रामवीर, सत्यपाल और राम प्रवेश यादव ने इस कथित भर्ती घोटाले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल इस पूरे केस का खुलासा ऐसे हुआ कि हाईकोर्ट ने बहुत सारे पिटीशन डाले गए। यह सिलसिला चलता रहा 2021 से लेकर 18 सितंबर 2023 तक। फिर कोर्ट ने दो याचिका को क्लब कर दिया और मामले को पीआईएल में बदल दिया, साथ ही सीबीआई जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि परीक्षा कराने वाली दोनों एजेंसियों के मालिक दूसरी भर्ती परीक्षा में धांधली करने के केस में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में विधानसभा के पूर्व स्पीकर ने इन दागी एजेंसियों से परीक्षा कराने को ठेके की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि पहले परीक्षा कराने वाली एजेंसी को हटाया गया और फिर नियम बदलकर एक बाहरी एजेंसी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया। 3 अक्टूबर 2023 को विधान परिषद के मामले में एक रिव्यू एप्लीकेशन दायर किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि यह भर्ती घोटाला है जिसमें एक बाहरी परीक्षा एजेंसी ने सैकड़ों लोगों को अवैध तौर पर नौकरी दी है। मामले में सीबीआई ने जांच संभाल ली, लेकिन 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर स्टे लगा दिया। अब इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। विपिन कुमार सिंह, यही नाम है उस बंदे का जो इस परीक्षा में असफल रहा, लेकिन विपिन ने हाईकोर्ट को एक लिस्ट सौंपी है। इसमें उन लोगों के नाम है जिनके सिलेक्शन के बाद विधानसभा में तैनाती हुई। विपिन सिंह ने इन लोगों की ओएमआर सीट और टाइपिंग सीट भी हासिल कर ली। विपिन का दावा है कि अधिकारियों के भाई भतीजों के क्वालिफाइंग मार्क्स में फेरबदल किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि कभी भी 2020-21 की आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पब्लिकली जारी नहीं किया गया, न ही परिणाम जारी करने की तारीख का ऐलान किया गया और न ही फाइनली सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। यूपी विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट से कहा कि फाइनल रिजल्ट यूपी विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था। इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विधानसभा सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई थी, लेकिन जब विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट चेक की गई तो रिजल्ट का कहीं कोई अता पता नहीं था। यह पूरी कहानी हमने इसलिए बताई ताकि आपको पता चल सके कि यूपी में आरओ एआरओ भर्ती के नाम पर क्या कुछ होता रहा है। पिछली परीक्षा जो लोकसभा चुनाव के टाइम होने वाली थी अभी तक नहीं हो पाई, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी हैं, नफरत फैलाने में बिजी हैं, क्योंकि मामला उनकी कुर्सी का है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी का नहीं है तो क्या हिंदू युवा वाहिनी का नारा है? आखिर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं कि नहीं? बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? योगी यूपी के सीएम हैं और घूम घूम के चुनावी रैलियों में नफरत और जहर बांट रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों को नौजवानों की जनता की चिंता होती तो वे नफरत फैलाने का काम नहीं करते। 186 पदों की 2020-21 की भर्ती का मामला कोर्ट में है, सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, लेकिन सत्ता को उसकी चिंता नहीं है। यूपी शिक्षक भर्ती में अभी 6000 से ज्यादा छात्रों को कोर्ट के फैसले के बावजूद न्याय का इंतजार है। देखते रहिए कब तक नियुक्ति पत्र बढ़ता है, बढ़ता भी है कि खाली कटता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सवाल अदालतों से भी है कि अक्टूबर 2023 में भर्ती की सीबीआई जांच पर स्टे लगाने के बाद उसने सुनवाई के लिए अगली तारीख जनवरी 2025 का दे दिया, इतना लंबा टाइम। आज के इस वीडियो से दो बातें साफ हो गई। अगर आपको यूपी में आरओ यारो बनना है तो पहले आपके बाप दादा चाचा या किसी रिश्तेदार का किसी आधिकारिक पोस्ट पर होना अनिवार्य है ताकि वे सेटिंग कर सकें। अगर नहीं तो फिर आपको राम भद्राचार्य का चेला अनिवार्य होना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से, जो सीधे विधानसभा के स्पीकर से आपकी पैरवी कर सके और माइक पर उसका ऐलान भी कर सके। अगर दोनों ही केस में आप कमजोर होते हैं तो फिर 5 किलो राशन का विकल्प आपके लिए खुला है, ले लीजिए, काहे समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर सत्ता आपको लठियाएगी, फिर गोदी मीडिया वाले आपको अर्बन नक्सल करार देंगे, कोई कहेगा कि आप पाकिस्तान से 500 रुपया लेकर धरना दे रहे हैं, कोई कहेगा कि आप भारत विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।